बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का आगाज किया था। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का पहला फेज लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन को कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिस प्रोसेस द कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल इज मैप्ड टू द टारगेटेड डीबीएनएस। यानी इस लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस में हम अपने कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल को टारगेट करते हैं, मैप करते हैं टारगेटेड डीबीएमएस पर। और दोस्तों, यहाँ पर टारगेटेड डीबीएमएस से क्या मुराद है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत से डीबीएमएस अवेलेबल हैं, तो हमारे कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल के लिए कौन सा डीबीएमएस बेस्ट सुटेड होगा, इसका फैसला भी इसी फेज में किया जाता है। और इफ द टारगेटेड डीबीएमएस इज रिलेशनल, then the conceptual data model are mapped to normalized relations। yani agar hamara dbms relational dbms hai aur relational dbms aisa dbms hota hai jisme hamara tamam data tables ki shakal mein store hota hai, to aisi surat mein, kyunki tables mein data repetition ke chances ho sakte hain, isliye us conceptual data model ko normalize karne ki zarurat hoti hai। yani normalization ke zariye हम अपने डेटा को डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन भी कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें पहला स्टेप है रिप्रेजेंट एंटिटीज, जिसमें हर एक डेटाबेस सिस्टम में जितनी एंटिटीज होंगी उनका तयन करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप है रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन। इस स्टेप में हम एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को शो करेंगे। थर्ड स्टेप है मर्ज द रिलेशंस। दोस्तों, इस स्टेप में अगर किसी टेबल के दरमियान डुप्लीकेशन आ रही है तो उन टेबल्स में मर्जिंग करवाई जाती है। और फोर्थ और लास्ट स्टेप होता है नॉर्मलाइज द रिलेशन। और इस स्टेप में टेबल्स में अगर कोई रिडंडेंसी या रिपीटेशन हो रही है तो उसको दूर किया जाता है। तो दोस्तों, आइए इन चारों स्टेप्स को बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट एंटिटीज। दोस्तों, एंटिटीज क्या होती है, डेटा ऑब्जेक्ट। एंटिटी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि डेटा को कंटेन करे। तो इस स्टेप में सबसे पहले एक डेटाबेस सिस्टम में एंटिटीज कौन कौन सी होंगी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और फिर ईच एंटिटी टाइप इन द ईआर मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन। और हर एक एंटिटी जो कि हमने ईआरडी डायग्राम के अंदर आइडेंटिफाई की थी, वो लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन में एक रिलेशन होगी, एक टेबल होगी। यानी जो आपकी एंटिटी का नेम होगा, अब वही नेम डेटाबेस में उस टेबल का होगा। और फिर हर एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, आप एक यूनिवर्सिटी का लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो वहाँ स्टूडेंट एक एंटिटी होगी, टीचर एक एंटिटी होगी, डिपार्टमेंट और इसी तरह कोर्स अलग अलग एंटिटीज होंगी। तो इस स्टेप में हम इन तमाम एंटिटीज को टेबल में कन्वर्ट कर देंगे और साथ के साथ हर एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को कॉलम में फिट कर देंगे। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसमें स्टूडेंट नेम, उसका रोल नंबर, उसका फोन नंबर जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह टीचर एक अलग एंटिटी है जिसमें टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर का फोन नंबर वगैरह टीचर के एट्रीब्यूट्स होंगे। तो तमाम एंटिटीज को रिलेशन यानी टेबल्स में कन्वर्ट करने के बाद हर एक टेबल के कॉलम्स में एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन कर देंगे। और इसके साथ साथ द आइडेंटिफायर्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर एक टेबल का कोई एक कॉलम प्राइमरी की कॉलम होता है, तो इस स्टेप में हम प्राइमरी की कॉलम को भी डिफाइन करेंगे। और प्राइमरी की कॉलम में हम एट्रीब्यूट नेम को इस तरह से अंडरलाइन करते हैं, तो जैसे स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की है तो हम रोल नंबर को अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह देखने वाले को भी समझ आ जाएगा कि इस टेबल की प्राइमरी की कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट स्टेप में हम तीन चीजों पर फोकस करते हैं कि एंटिटीज क्या होंगी और उनके एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, और फिर हर एक एंटिटी की प्राइमरी की क्या होगी, और आखिर में उन तमाम एंटिटीज को टेबल्स पर मैप कर देंगे। तो दोस्तों, रिप्रेजेंट एंटिटीज के बाद जो सेकंड स्टेप है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन का, वो है रिप्रेजेंट रिलेशंस। और ये इसका एक पॉइंट देखिए, ईच रिलेशन इन द ईआर डायग्राम
मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशनल मॉडल। यानी दोस्तों, जिस तरह हमने ER डायग्राम में दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसको हमने कार्डिनलिटी और मोडालिटी के जरिए ER डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था, अब उन्हीं रिलेशंस को हमें लॉजिकल डिजाइन में रिलेशनल मॉडल यानी टेबल्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना होगा। और ये देखिए, एवरी रिलेशनशिप डिपेंड्स अप ऑन इट्स नेचर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आमतौर पर दो एंटिटीज के दरमियान चार तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। तो यहाँ हमें इन तमाम रिलेशंस को टेबल में भी शो करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर पर्सन और NIC कार्ड दो एंटिटीज हैं और इन दोनों एंटिटीज के दरमियान वन टू वन का रिलेशनशिप है, यानी एंटिटी वन का एक इंस्टेंस एंटिटी टू के सिर्फ एक इंस्टेंस से ही एसोसिएट होगा। तो इस रिलेशन को टेबल की शक्ल में, टेबल की सूरत में दिखाने के लिए हम पर्सन एंटिटी की प्राइमरी की को NIC कार्ड एंटिटी के टेबल में रख देंगे और अब ये पर्सन की प्राइमरी की NIC कार्ड के टेबल में कहलाएगी फॉरेन की। और दोस्तों, इस तरह से कीज की मदद से हम रिप्रेजेंट रिलेशंस यानी टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, तीसरा इसका स्टेप है मर्ज द रिलेशन। इन सम केसेस देयर आर टू और मोर रिलेशंस दैट डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। यानी अक्सर ऐसा होता है कि डेटाबेस को डिजाइन करते वक्त दो या दो से ज्यादा टेबल्स एक जैसे या मिलते जुलते भी हो सकते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी में चार डिपार्टमेंट्स हैं और चारों डिपार्टमेंट्स में टीचर नाम की एंटिटी मौजूद है और इन तमाम एंटिटीज के एट्रीब्यूट भी सेम है, टीचर ID, उनका नेम, उनका एड्रेस और कोर्स वगैरह, और हर एक एंटिटी की प्राइमरी की भी सेम है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में अब जब हम लॉजिकल डेटाबेस को डिजाइन करेंगे तो हमें एक ही नाम के चार टेबल्स बनाने होंगे एक जैसे। तो दोस्तों, इस सूरत में दीज टेबल्स मस्ट बी मर्ज टू रिमूव द रिडंडेंसी। यानी अब इन तमाम टेबल्स को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा और मर्ज करने के बाद रिजल्टेंट टेबल में एक और एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नेम का इजाफा कर दिया जाएगा। इस तरह दोस्तों, अगर इस स्टेप में रिडंडेंट टेबल्स को मर्ज किया जाता है, यानी इस स्टेप में ऐसे टेबल्स जिनकी प्राइमरी कीज भी सेम है और ऐसे टेबल्स जो कि काफी मिलते जुलते हैं, तो इस तरह की टेबल्स को आपस में मर्ज कर दिया जाता है और कुछ उनके अंदर एट्रीब्यूट्स का इजाफा कर दिया जाता है ताकि मर्जिंग के अंदर आसानी हो। तो दोस्तों, मर्ज द रिलेशंस के बाद जो लास्ट स्टेप है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन का, वो है नॉर्मलाइज द रिलेशन। द रिलेशंस दैट आर क्रिएटेड इन स्टेप वन एंड स्टेप टू मे हैव अननेसेसरी रिडंडेंसी और एरर्स। यानी दोस्तों, जो रिलेशंस, जो टेबल्स हमने स्टेप नंबर वन एंटिटीज रिप्रेजेंटेशन और स्टेप नंबर टू रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन में बनाए थे, उन टेबल्स में अगर रिडंडेंसी या किसी किस्म का कोई एरर मौजूद है, तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट रिफाइंस द रिलेशन टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स। तो उन एरर्स और रिडंडेंसी को इस नॉर्मलाइजेशन के स्टेप के जरिए दूर किया जाता है। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रखें कि नॉर्मलाइजेशन के जरिए रिलेशन में से एरर्स को और रिडंडेंसी को दूर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो चार स्टेप जो कि लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन का हिस्सा है और आपका लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन इन्हीं चार स्टेप्स पर मुश्तमिल है। और अगर हम इन चारों स्टेप्स को समराइज करें तो सबसे पहले एंटिटीज को रिलेशंस यानी टेबल्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया जाता है, फिर तमाम टेबल्स का जायजा लिया जाता है कि अगर कोई दो या दो से ज्यादा टेबल्स मिलते जुलते हैं या एक जैसे हैं तो उन्हें मर्ज कर दिया जाता है, और आखिर में हर एक टेबल को नॉर्मलाइजेशन के जरिए रिडंडेंसी और एरर्स से बचाया जाता है, और फिर इस नॉर्मलाइज्ड रिलेशन को डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के नेक्स्ट फेज फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को एज एन इनपुट दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन और अगले लेक्चर में हम डिटेल में फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।